भी लो कि ये ट्यूना मछली है। तुम देख लो यार, ये है छोटा शार्क, जैसे बोलते हैं बेबी शार्क। तुम देख लो यार, मेरे हाथ में ये केकड़ा है। लड़े ये देखो कैसे आ गया। आज की जो वीडियो आपने मतलब बहुत ज्यादा अलग वीडियो होने वाली। आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज अपन मम्मी को पहली बार जिंदगी में केकड़ा खिलाने वाले हैं। मतलब तुम देख रहे हो कितनी ज्यादा एपिक और कुछ अलग टाइप की वीडियो होगी। देखो मम्मी का रिएक्शन देखने में मजा आएगा, क्योंकि देखो मम्मी कोई भी सी फूड नहीं खाती, जैसे बोलते ना कि मछली टच नहीं करती है, लेकिन आज अपन केकड़ा खिलाएंगे और मतलब कुछ अलग टाइप की वीडियो होने वाली, मजा आ जाएगा तुम लोगों की। तो वीडियो को लास्ट देखना जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल यार। देखो तुम लोग जानते हो, जब से मेरे घर पे जिम बनाया है तब से मतलब मैं जिम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया। मतलब तुम इतना समझ लो कि यार मैं हफ्ते में 3 से 4 बार तो मतलब ऊपर जाके एक्सरसाइज डंबल अम्बल और थोड़ी बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर ही लेता हूँ, ठीक है? तो आप देखो, तुम लोग जानते हो सिर्फ जिम ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती, साथ साथ प्रोटीन लेना भी कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये देखो यार, आजकल मैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का वे फिट प्रोटीन ले रहा हूँ, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। तो चलो पहले से अपने शेकर में डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स करके पीते पीते तुम बताता हूँ इसके बेनिफिट्स। देखो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, शेक को मिक्स करना। तुम्हारे भाई का तो अलग ही एक्सपीरियंस है शेक करके, फुल गलत है क्या? मैंने ना मार्केट में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन ट्राई कर लिए, लेकिन जो मजा मुझे इस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के वे फिट प्रोटीन में आता है ना, सच में इसकी ना बात ही अलग है। देखो पहली बात तो जितने अपने जिम करने वाले भाई बनते हैं उनको पता ही होगा कि यार प्रोटीन कितना ज्यादा मेन होता है प्री वर्कआउट में भी और पोस्ट वर्कआउट के लिए भी, ठीक है? और तुम लोग तो जानते हो कि प्रोटीन अपना मसल्स बिल्ड, टिश्यू रिपेयर और मतलब अपने बॉडी में एंजाइम्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल, जैसे बोलते ना कि इसका यही काम है। अब देखो ये बात कर लेती है कि यार ये प्रोटीन बाकी प्रोटीन से अलग कैसे है। देखो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी ज्यादा है, जो यार तुम्हारे डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इस प्रोटीन में विटामिन मिनरल्स भी है, जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा सही रखते हैं, ठीक है? मतलब है प्रॉपर चॉकलेट शेक की तरह इसका स्वाद है और तो मजा आ रहा है। तो देखो मैं तो ये बोलूंगा कि यार तुम लोग भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का प्रोटीन खरीदो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, प्रोटीन खरीदो और फुल बॉडी बनाओ मास्टर बॉडी की तरह। तो चलो यार, मैंने भाई को पहले ही बोल दिया कि अपनी टाबरी की मार्केट आएगी, मीट मछली वाली मार्केट नहीं है, वहां पे बन रुकेंगे और झेंगा केकड़ा सब लेंगे। भाई से जरा पूछते, भाई ये बताओ कभी यार तुमने वो खाया है झेंगा? नहीं। केकड़ा? नहीं भाई। हाँ, एक बात बताता हूँ, हमने ना डिस्कशन पहले भी कर लिया था, भाई मुझे बोलते भाई ये सब चीज तो मैंने डिस्कवरी में ही देखी है। ये भाई ऐसी बात है, ये खाने वाली चीज थोड़ी ना है। सफर का साथ ही अपना पापड़, सारे भाई मिल बांट के पापड़ खा रहे थे यार। भाई पापड़ कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे भाई। भाई अब कैमरा फ्रेंडली हो गए, भाई को पता है अच्छा बोल दूंगा ना सब मामला ठीक है। कैमरा हट जाएगा फिर। तो देखो ये रहा अपना डाबरी का मार्केट, ठीक है, और बेसिकली मतलब आगे की तरफ पूरा फूड मार्केट है और जो मीट मार्केट है वो इसके पल्ली पीछे की साइड है। और मैं पर्सनली खुद इसी एरिया से, मुझे पता ही नहीं था कि अपने एरिया में भी इतनी बढ़िया मीट मार्केट है। उस तरफ पूरी फ्रूट मार्केट है डाबरी की और ये अपना मीट मार्केट। तो बदबू सी हो रही है, अभी साइन चालू हो गई है, आओ जरा पूछते हैं क्या हिसाब है यहाँ का। तुम देख लो यहाँ पे पूरा चिकन विकन सब फैला हुआ है, केकड़ा मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे तुम देख लो यार यहाँ पे सारे आइटम है, छोटी वाली मछली हो गई, ये क्या है भैया? तुम देख लो यार, मतलब काफी टाइम बाद मैं ऐसे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। भाई कितने का होता है ऐसे? 350 रुपए किलो। और अगर तुम लोग यार चिकन विकन नहीं खाते तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है? और वैसे यार अगर तुम्हें देखना है तुम देख भी लो, मतलब एक नया एक्सपीरियंस है। तुम देख लो भाई यहाँ पे जिंदा मछली निकाल रहे हैं, भाई देख रहे हैं मछलियों के लिए पंखा लग रखा है, मेरे ख्याल से ये फ्लोइंग वाटर वाली मछली होगी। तो देखो मुझे सारे भाई बोल रहे हैं कि यार आज ट्यूजडे है, ये जितना खतरनाक हिसाब है केकड़ा झेंगा ये नहीं होता भाई, भाई प्रॉपर फॉलो करते हैं इस चीज को, जो कि बढ़िया बात है। कल पक्का मिल जाएगा, पक्की बात देख लो, केकड़ा ना मिला फिर मैं कुछ और दे दूंगा। 24 hours later. तो देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मुझे डाबरी में तो मिला नहीं केकड़ा। जब मुझे कहीं भी अपना ये खतरनाक आइटम नहीं मिलते ना, केकड़ा ऑक्टोपस, तब मैं आ जाता हूँ आयन मीट मार्केट। ऐसे कर बोल, फुल गलत समझाओ, फुल गलत। आइए पर सब्सक्राइब भाई है, फुल गलत। अरे वाह, अब तू केकड़ा फिल्म में देखा, ये चीट कोड था। केकड़ा है आपके पास? क्या बात, देश देख रहे हैं, अपने इलाके में तो मिला नहीं। आईने मीट मार्केट आ जाओ, यहाँ पे हर एक प्रकार का जानवर मिल जाएगा। आप ही वो जानवर हो क्या? ले जाऊँ क्या? कौन से नशे कर रहे हैं आज के लिए बता। अच्छा ये तू मुझे बोला पकड़ने के लिए, जैसे अपन ने वाली वीडियो पड़ा था। तो देखो अपन ने एक वीडियो बनाई थी बिगेस्ट मीट मार्केट इन इंडिया करके, ठीक है, और काफी ज्यादा व्यूज गए उस पर, करीब 9 लाख व्यूज तो होंगे। और उस वीडियो में मैंने ऐसी मतलब बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी हुई, 9 किलो की ये ट्यूना मछली है, 350 रुपए किलो, 9 किलो की है, 3000 के आसपास की पूरी मछली पड़ जाएगी। अपन तो देखो मछली खाते नहीं है, मैं इसमें केकड़ा भी नहीं खाता। ये रहा अपना केकड़ा, क्या बात है, तुम देख लो यार ये रहा केकड़ा, भाई मरे हुए ना सी क्रैब।
तो छू सकता हूँ मैं इन्हें? हाँ बिल्कुल। ऐसे उसे डंग मार देंगे? नहीं नहीं। हाँ तुम देख लो यार, मेरे हाथ में ये केकड़ा है और जितना मुझे भाइयों ने बताया ये सी क्रैब है। ये देखो समुंदर आ गया। ओ भाई साहब तुम देख लो यार, ये है छोटा शार्क, जैसे बोलते हैं बेबी शार्क है ना। इस बेबी शार्क के दांत देख रहे हो तुम, पहने हैं नो डाउट। कितने महीने साल कितने की होगी? 2-3 महीने की। ओ तेरी, ओ तेरी भाई केकड़े की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओ भाई साहब तो जिंदा लग रहा है पूरा। ये टांग हिला रहा है क्या अपनी? नहीं नहीं सही बताओ। नहीं अरे मैं डर भी जाऊंगा। बस ठीक है ठीक है। तुम देख लो यार मेरे हाथ में ये केकड़ा है और मुझे अभी भी इतना ज्यादा डर लग रहा है ना, कहीं जाना जिंदा हो गया तो भाई साहब खतरनाक सीन है। मतलब आई ने मीट मार्केट आता हूँ यहाँ पे, जो मतलब सारा खतरनाक मामला ही मिलेगा। ठीक है, मैंने यार आज तक कोई भी केकड़ा मतलब ऐसे प्रॉपर खुला हुआ नहीं पकड़ा। हर वक्त सारे भाई रबड़ बांध के रखते थे, पहली बार मैं खुला केकड़ा पकड़ रहा हूँ। 500 रुपीज किलो। ये कितने का होगा एक पीस? 100 ग्राम का होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता। कितने केकड़े ले फिर भाई आपने? फिर 3 केकड़े निकाल दो। आपने भी बनाया घर पे? ट्राई तो नहीं किया, बनाना खाया जरूर। खाया? कैसा होता है केकड़ा का? स्वाद अच्छा है, स्वाद अच्छा होता है, इसका अपना अपना स्वाद है। क्रैब को साफ करने के बाद भाई इसको पानी में भी डालते हैं ना, धोना जरूरी होता है। ठीक है भाई, ये केकड़ा अब हो गया अपना पूरा, मतलब समझ लो खाने लायक, प्रॉपर साफ हो गया है, पानी से क्लीन कर दिया गया है। अब बस घर जाके हमें बनाना है और खाना है। मतलब ये गोभी है? गोभीड़ा है? चाइनीज कैबेज। एक ये निकाल दो। ये बताओ अंकल ये रंग बिरंगे शिमला मिर्च में क्या तीखा कम होता है ज्यादा होता है? तीखा होता ही नहीं है, मीठापन। क्या बात है, मीठापन होता है इसमें। तो देखो आईने मार्केट की ना खास बात होती है कि यहाँ पे वो चीजें मिलते हैं जो तुम्हें नॉर्मल मार्केट नहीं मिल पाएगी। एक चिली ऑयल से मैंने लिया है और एक है क्रीमी गार्लिक एक्स्ट्रा माइल्ड। सही है यार, मतलब ऐसी ऐसी वैरायटीज है ना यहाँ पे, मतलब मैं खुद आके यार शौक हुआ था कि मैं क्या क्या लूं। ये जो फिश वाले कैन है इसमें क्या रेडीमेड फिश होते हैं? मेरा जो डॉग है पेट डॉग वो खा सकता है? भाई कितने का पड़ता है पूरा? 500। बहुत बेहतरीन। तुम देख लो तुम्हारे भाई को यहाँ पे पता नहीं क्या ये अलग सा मटेरियल है, मैक्रोनियन चीज। और तुम जानते हो जहाँ तुम्हारे भाई को मैक्रोनी का कुछ ऐसा अतरंगी आइटम मिल जाए मैं लू ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है तो भाई ये कितने का है? 325। अरे तेरी 325 तू बनाएगा मेरे स्पेशल चीज मैक्रोनी? मुझे दे दी यार। फायदा क्या वो मेरा मैक्रोनी आ जाएगी 300 यार? मतलब मुझे तो पता ही नहीं था मेरा कुत्ता केकड़ों का दीवाना है। तुम देख लो इसे केकड़े की स्मेल आ गई है। बावला हो गया बावला केकड़ा। कितना बड़ा केकड़ा है। ये देखो कैसे आ गया। देख लेके आए, इसे पता लग गया इसके लिए मैं कुछ ना कुछ तो बढ़िया से लेके आया हूँ। जो कितनी जल्दी खा जाएगा ये, और ये इसके लिए रात का डिनर हो गया, कितनी जल्दी खा रहा है ये, जिसकी कोई हद ही नहीं है। नॉडी बचा हुआ है, कल भी खा ली नहीं जान। मम्मी कुछ खतरनाक ही लेके आया हूँ तेरे लिए, आप दिखाता हूँ। गोभी है आपका? हाँ हाँ। आओ जरा मम्मी को दिखाते हैं, मैं जानता हूँ बहुत डरने वाली है मम्मी। पाप के लिए केकड़ा है ये। पाप वीडियो बनने गुस्सा मत कीजिए यार, पाप जिंदा है ये। एक वो पकड़िए, पकड़ी दो, आप तो ब्रेव हो वाह, एक वो पकड़ देखी ना। अच्छा बोल दी फिर, डर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं तुम डरते नहीं। हाँ पहले बोले डर रहा हूँ मैं। पापा ने हार मान ली। हाँ खाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे तू खाएगी, तेल तो स्पेशल लेके आया हूँ बेटा। तू बना के खाना, हम जा रहे हैं सोने के लिए। ठीक है ठीक है, तू सो। अगर रूम नहीं है तू, कहीं दूर नहीं है। ये देखो इधर से ये पकड़ता है अपने शिकार को। भाई साहब गलत यार, गलत चीजें हैं। तो आओ यार ये रही अपनी चिली ऑयल। तो आ देखो अब आ रही है अपने क्रैब को फ्राई करने की। ठीक है, और ओहो भाई धीरे धीरे दूर जा रहे हैं फेंकते फेंकते। हाँ यार काफी जल्दी जल्दी पकड़ लिया। ले अब भाई हल्ला मचाए। तो यार देखो मस्ती चलती रहनी चाहिए। तो भाई जरा एक बार ट्राई करके देख रहे हैं कि यार ये अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं। और सही लग रहा है? मतलब धीरे मेरे भाई ने कहा कि यार एक बार ट्राई करके देख, फ्राई केकड़ा बहुत स्वाद लग रहा है। नहीं सही है यार। अभी अपन इसमें ये प्याज और जो टमाटर है वो डाल रहे हैं, थोड़ा इसको पीसेंगे, ग्रेवी वाला मैटर बनेगा इसका। भाई तू हंस रहा है इसको देख के? भाई भाई लाल लाल है। लाल लाल है क्या? ये लग क्या रहा है तेरे को ऐसा? भाई की हंसी रुक रही, तुम देख लो। मतलब मुझे ये देख के एक चीज तो पता लगी कि धीरज मेरे भाई बहुत बढ़िया शेफ है। अभी कैमरे के पीछे बोल रहे ना भाई, पहले बना रहा हूँ, कैमरे के आगे मेरे भाई फुल तारीफ ही ले रहे हैं अपनी। सही में ग्रेवी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, खुशबू भी काफी सही आ रही है यार। चिली चिकन स्टाइल में चिली केकड़ा बना रहे हैं तो सही है। तो यार ये देख लो, ये बन गया अपना पूरा प्लेटर। ठीक है, यहाँ पे चिली क्रैब, दो रोटी, चम्मच। पहले ऑफकोर्स ग्रेवी चखूंगा मैं। क्रैब यार क्रैब होता है, जिंदा हो या मरा हो, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है इसके। मुझे लग रहा है अभी ये ग्रेवी में से बाहर निकल जाए यू करके, कुछ भी हो सकता है। फुल इसमें मसालों का एकदम जो फ्लेवर आ रहा है ना। ये रहा अपना केकड़े का पीस, जरा चख के देखते हैं।
नहीं यार मैं नहीं खाता ना, मैं सी फूड नहीं खाता, तो चबाने के बाद ना वो सी फूड का वो आद आता है। तो देखो मुझे तो मतलब हल्की सी वॉमिटिंग वाली फीलिंग जिसे बोलते हैं नौजिया, मुझे हल्की सी नौजिया टाइप्स आया अभी। रेडी है केकड़ा चखने के लिए? नहीं बाबू। अच्छा पहले अम्मी देख के तुझे लग रहा है केकड़ा है? देख के तो नहीं लग रहा है, खुशबू आ रहा है। माँ तेरे लिए स्पेशल बनाया मैंने इतनी रात में, वो तो सब्जी है जितने के केकड़ा तो खाए ही नहीं, शिमला मिर्च थी। कुछ नहीं कुछ चटनी बहुत अच्छा है, शिमला मिर्च खा लिया और सूरी में जा रही तू ले। अरे ग्रेवी अम्मी ये क्या करना है, केकड़ा का पीस तो जिंदा तो हो जाएगा ये। अरे बाप रे बाप, खा ले इसे नहीं, 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 तू खाएगी? नहीं नहीं सर मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ, तुम लाया ना मम्मी को जिद कर रहा है खाने के, तुम खा खा रहा हूँ ये पैर एमबी की फंगली है क्या? तो फंगली क्या, देखो वीडियो यही तक की ठीक है, और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तुम्हारा भाई कल मॉडिफाइड स्कूटी की डिलीवरी लेने वाला है। तो देखो मतलब मैं सही बता रहा हूँ, फटाफट जाके ना भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मतलब मास्टर बटर आईडी है। और मैं यार कल दोपहर 12 बजे तक इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करूंगा अपनी नई स्कूटी के साथ, तो मतलब फटाफट देखो खत्म हो गई वीडियो इंस्टाग्राम पे जाओ, लेकिन जाने से पहले देखो जितनी भी नजर देख लिया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मास्टर पर टेलीविजन है ऐसे वीडियो को अपलोड किए मास्टर पर टेल पे, और देखो घंटे का ऑप्शन भी डाल जब मैं वीडियो लेकिन पता चल चिंगारी ना तेरा वाई फुल गैरोसीन है।